सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुख श्री वाले की जय। गोपियां की बात के वास्ते आप लोग कहे हो सो ठीक है। गोपियां में भिन्न भिन्न दर्जे की थी। जो साधारण गोपियां थी जिनको भगवान में अनन्य प्रेम नहीं थो, वे तो इस प्रकार से कहा करती कि चलो सखी जहां जाइए और जहां मिले ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले और एक पंथ दो का। ये कम प्रेम वाला की बात, ये सखी वहां चलो जहां ब्रजराज मिले। ब्रज का एक प्रकार से स्वामी कृष्ण जी है ब्रजराज, तो गोरस गोरस को मतलब दूध दही है, सो गोरस है, तो दूध दही बेचते मिले, ये भी बिक्री हो जाए, भगवान भी मिल जाए हरि भी मिल जाए, तो दोनों काम सागर हो गया। जिसो तो दूध और दही को बेच लो और जिसो ही भगवान को मिल लो, तो भगवान को मिल लो कोई ज्यादा महत्व चीज को नहीं, भगवान से पूर्व में ही मिले काम तो आपको करे समझो दूध ही बेचने को। ऊंचे दर्जे की जो गोपियां थी कसु भी दूध ही तो बेचती, पर दूध ही बेचती ना एक प्रकार से बना के हृदय के बीच के मां भगवान को नाम रूप बात कर दो, तो एक प्रकार से बेचन गई दूध और दही और बोलने लगी कि गोविंद ले लो, वासुदेव ले लो, कृष्ण ले लो, दामोदर ले लो, हरि ले लो, बेच लगी भगवान ने बैठा दी थी जो भगवान को एक प्रकार से बेचन जाती बना के दोनों चीज सामान को नहीं गिरी। गोरस बेचत हरि मिले और एक पंथ दो काज, पंथ माने मार्ग तो एक और काम दो है, दूध दही बिक जावे भगवान मिल जाए। भगवान बोले तो भाई जिकन की दृष्टि में मेरा दाम और दूध दही का एक ही है, मेरे मिलो समझो दूध दही को बेचना समान ही है, वे हमारे तत्व रहते नहीं समझी, अरे भगवान को बेचने निकलेगी समझा, ये सब ले लो गोविंद ले लो। तो यूं करती करती दूध लो दही लो या करती करती समझो वासुदेव लो गोविंद लो नारायण लो, तो वह एक प्रकार से प्रेम के मां ज्यादा मगन थी। और इससे भी और ज्यादा भगवान के प्रेम में डूब जाया करती थी। वह कहती कि सखी मैं रात और दिन भगवान कृष्ण को ध्यान करूं, करूं क्या हो आप ही छुट्टे ही बोली। तो यह बात कर रहे कि जिन को ध्यान करे आंख के मन जाकर मैं को रूप बन जावे, जैसे लट है जिनको भोर बन जावे, इसलिए मैं कहे भगवान कृष्ण को ध्यान करती करती ही पर कृष्ण तो नहीं बन जाऊंगी। बोला कोई हर्ज नहीं, तू कृष्ण बन जाएगी ना, तो भगवान भी एक प्रकार से गोपी बन जाएंगे, तू जैसे कृष्ण कृष्ण करे वे गोपी गोपी करे, तो जोड़ो तो बिया रुपया ही रहे हो। अब तू सखी और वह सखा है, फिर कृष्ण सखी हो जाएगी तू सखा हो जाए, तो इसमें तेरे क्या नुकसान है। गोपी के रूप में रहे तो कोई हर्ज नहीं, कृष्ण के रूप में रहे तो कोई हर्ज नहीं। बोलो बात ठीक है,
मगर समझ में आ गई। एक गोल बोली कि भगवान कृष्ण काला क्यों हो गया? बोलो काला यूं हो गया कि आपनी आंखों में बसे हो और आपनी आंखों में काजल होने से आपनी आंखें काली, तो मैं आंखों के काजल के कारण से वो भी कालो हो गया। एक वो भी बोली कि तू मेरी दशा सुने ही नहीं, बोले तेरी की दशा, मैं तो मैं बीरे के मां व्याकुल हो रही हूं रात दिन। तो वो निगोडो न तो आवर न मिले और न मैं भूल ही सकू, मैंने ये मेरे के रोग लागो, भूल जाऊं तो रात में नींद आ जाए, दिन में चैन पड़े। रात की तो एक प्रकार से नींद गई और दिन की भूख गई, तो मेरी याद सो रही है कि मैं आशक तेरे रूप पे अर बिन मिले सबर नहीं होती। हे गोविंद, मैं तेरे रूप पर ऐसी आशक हो गई कि तेरे बिना मिले बने सुबर पड़े ही नहीं। एक गोपी कहे कि मेरा भी तेरी जैसी लगन को लीला की, उत्तम दर्जे की लगन। बोले उत्तम दर्जे की लगन में क्या लक्षण है? कि लगन है, लगन सब कोई कहे, लगन कहा है सो। कि नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, सब कोई कहे लगन लगी लगन लगी, लगन तो लगी नारायण कवि के। उनको कहना कि लगन लगी हम तन मन की शुद्धि को रह ली। अभी तो हम लोगों को तन मन की शुद्धि है, और कोई कोई गोपी तो इतनी प्रेम में मगन हो जाती है अपने घर ही भूल जाते, और किसी को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। भगवान का प्रेम के दिल में व्याकुल गोपियों की ये सब दशा भक्त लोग क्या करते, क्या बताऊ आपने लोगों की ऐसी दशा हुई को नहीं? आपने तो बात ही बात सुनी है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी। आप क्या करें कि सीताराम सीताराम को नहीं बताऊंगा, आप सीताराम को अब गोपियों की बात की तो अब सीताराम की कहा। जैसे राधा कृष्ण जी को आप श्री में प्रेम थो, गोपियों को भगवान को प्रेम थो, इसी प्रकार से थी और सीताराम को आप श्री में प्रेम थो, यो एक करके उसे दाम्पत्य प्रेम थो, माधुर्य प्रेम थो सीताराम को, गोपियों को भी प्रेम माधुर्य प्रेम तो मधुर भावने लेकर के, उनमें ये बात विशेष थी कि बना को सखी भाव लेकर प्रेम थो, और सीता जी को ऐसा पत्नी भावने लेकर, पत्नी भावने लेकर जो प्रेम हुआ है उस स्वकीय माधुर्य भाव है, और सखी भाव लेकर के जो प्रेम हुआ है
परकीय माधुर्य भाव, भगवान के साथ में धर्म पूर्वक जो विवाहिता स्त्री हुए अरबन को जो प्रेम है वो स्वकीय भाव। और भगवान के साथ में जो सख्य भाव हुए, साथ के मां बहुत मधुरता है, वो हुए परकीय माधुर्य भाव। परकीय माधुर्य भाव में एक प्रकार से विशुद्धता है, में काम वृत्ति नहीं है। स्त्री पुरुष के मापक समझो की रमन और सेवा नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम ही प्रेम है। उसमें जो है पति पत्नी भाव है और क्रीड़ा है और विषय भोग है, ये साथ में है। प्रेम होता हूं तो पति पत्नी भाव है ना, तो सीता जी को तो पति पत्नी भाव थो, तो जब सीता जी ने यह बात सुनी भगवान के द्वारा कि पिताजी मुझको वन का राज दिया है और भरजी को अयोध्या का राज दिया है, तो मेरो बन जाने को विचार है, तेरे से मिलने के लिए ही आए और तू ऐसो यहीं रहे, सासू ससुर की सेवा कर, तेरे रहने से इनका एक आधार रहेगू, और तुम हट करके मेरे साथ में दीदी चली जाएगी तो इनको बहुत क्लेश होगा और तेरे को भी क्लेश होगा, क्योंकि बन के बीच के मां राक्ष लोग जो है निशाचर है, जी का स्त्री ने चुरा कर ले जावे और वहां बन के मां बहुत जोर की हवा चले है और धूप भी पड़े दिन में और शीतकाल में शीत बहुत पड़े और वर्षा ऋतु के बीच के मां जल बहुत बरसे, तो वर्षा और शीत और धूप और हवा इनकी बड़ी उपद्रव है, और भोजन के लिए वहां फल मूल कंद ये मिले, सो भी सदा नहीं, कभी मिले कभी न भी मिले, और रहने के लिए वृक्षों के नीचे रहना पड़े, तो सब प्रकार से थी यही बात उत्तम मालूम दे कि तू यही रहे। तो शास्त्रों के वहां अलग अलग बात आवे, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और पद्म पुराण में भी, तो इनके मतलब भिन्न भिन्न बात। अध्यात्म रामायण में तो सीता भगवान से विनोद कर रही है, बोले महाराज मैं जब बालक थी ना उस वक्त मैं रामायण पढ़ा करती, रामायण अरे कई रामायण पढ़ी है। और कई दफा भगवान राम का अवतार हुआ है, तो जब जब राम वन में गए सीता भी उनके साथ में गई, ऐसी कोई रामायण में कथा नहीं है कि भगवान राम अकेला गया हो, तो अब की बार आप अकेला कैसे, यह बात तो समझो कि नहीं है ना, तो सीता सदा आपके साथ गई है, जब जब आप अवतार लिए तो मैं तो आपके साथ ही चलना चाहूं। वाल्मीकि रामायण में कहे कि देखो कि मैं जब बालक थी ना सीता का है, तो ब्राह्मण ज्योतिषा ने मैं मेरे हाथ दिखाया था, तो वे यह बात कही कि पति के साथ तेरो वन में जाना होगा, यहां
तुझे वनवास हो, तो आप यदि मन अकेले न छोड़ के रहा होगा ना, तो ब्राह्मणों के वचन मिथ्या हो जाएंगे। तो ऐसी बात आपको नहीं चाहिए, ब्राह्मणों का वचन तो सत्य होना चाहिए। किंतु भगवान बार बार यही कहते रहे कि नहीं तू यहां ही रहे, तो सीता को जोश आ गया, तो तेज से बोली। वाल्मीकि रामायण के वहां कि यदि मेरे पिता यह बात समझते मेरी लड़की जो सीता है इसका आर्य श्री रामचंद्र जी महाराज जो है इसको साथ में नहीं निभा सकेंगे, तो मेरी समझ में आपके साथ मेरा पिता विवाह ही नहीं करता और दूसरे के साथ करता हूं। तो भगवान को एक प्रकार से ऐसी कड़ी बात सुनाई, फिर भगवान उसको साथ में ले गए। तुलसीकृत रामायण के बीच के वहां दूसरी प्रकार से ही बात आती है, उसमें भगवान और सब बात तो कहते ही हैं जो आपको बतलाई गई है तुलसीकृत की, और सीता कह रही है कि भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरी से संसारू, भोग हो तो रोग के समान है और ये गणा आभूषण है सो भार रूप है, और आपके बिना ये संसार के जो मनुष्य अयोध्या के मनुष्य है ये यम यात्रा के समान, यम की यात्रा के बगीचे से दूत एक प्रकार से आते है ना, उस प्रकार से सब जम के से दूत दिखते हैं, मानो को यमराज की यात्रा हो रही ऐसी संसार दिखती। और आप ये कहते हो कि तू सुकुमारी है बन के लायक नहीं है, तो मैं तो सुकुमारी हूं और आप सुकुमार नहीं हो। जब आप घूम फिर करके आओगे और आपको थकावट हो जाएगी, तो मैं आपके पग चंपी कर करके थकावट को दूर करूंगी, और मेरे भी चित्त में बड़ी प्रसन्नता होगी आपके मुख चंद्र को देख करके, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके खुश होता है, इस प्रकार से स्थिति में आपके मुखार दिन को देख लूंगी तो क्या फिर मुझको कोई दुख होगा। आपने बन के बहुत से दुख बताए, किंतु सारे दुख एक तरफ और आपका वियोग एक तरफ, तो आपके वियोग के मां जो मुझको क्लेश है वो किसी में व्यसनी है, इसलिए मुझको साथ ही लेना चाहिए। बहुत विलाप किया तभी भगवान ने हाँ नहीं कही, तब सीता सो जोश में आकर के बोली, ऐसे हूँ वचन कठोर सुनी जो न हृदय विल गान, प्रभु विषम वियोग दुख सहहि पा मर प्राण सिया, ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के भी जो मेरा हृदय नहीं फटता है, तो मैंने यो अनुमान हुए आपके
वियोग की जो यंत्रणा है यानी वियोग का जो दुख है वो ये पामर प्राण सोसाएंगे यानी इस शरीर को छोड़ करके निकलेंगे नहीं, क्योंकि आप बार बार मुझे कहते हो तू यहीं रहे यहीं रहे, तो ये वियोग की जो बात है जो कठोर बात है ये सुन करके हृदय फट जाना चाहिए, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर, तो मुझको तो यही विश्वास हो है कि आप मुझको छोड़ करके चले जाओगे और मैं संसार के मैं जीती रहूंगी। तब भगवान ने सोचा कि यह अपने हठ का त्याग नहीं करेगी बल्कि प्राणों का त्याग कर दी, तब सीता को साथ ले गई। ले गए तो समझो कि परसो अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान बन में गए हैं, यूं तो रास्ते में बहुत जगह ठहरते ठहरते सो गए हैं, तो उस जगह के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी तो अत्रि ऋषि के पास में ठहर गए और वह उनकी जो अस्थि अनुसुईया उसके पास में चली गई। अनुसुईया पतिव्रता थी तो उनसे जाकर के शिक्षा की बात पूछी कि पातिव्रत धर्म का उपदेश करो, तो बड़ा अच्छा पातिव्रत धर्म का उपदेश आपने अनुसुईया ने सीता जी को किया है और मैंने समझो कि खूब बढ़िया वस्त्र दिया जो सदा नई बनी रहती और साधारण उनका सत्कार किया, थोड़ा आभूषण देकर के भी जो बहुत ही एक से अनोखे आभूषण ऋषि पत्नियां बात हुई अनोखी चीज मिले और उपदेश भी दिया, तो माता बहनों को जो स्वागन माता है उनको तो ये उपदेश की पाति पर धर्म की बात सुन करके वैसा ही प्रेम अपने पति में करना चाहिए कि जैसा सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से किया ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। स्त्री के लिए एक ही व्रत एक ही नियम और एक ही धर्म है कि मन वाणी शरीर से पति के चरणों में प्रेम कर लूं, और केवल स्त्री पति पर धर्म के पालन करने से ही परम पद को प्राप्त हो जाती है। बिना श्रम नारी परम गति लेगी और पति व्रत धर्म छाड़ी चल गई। नारी बिना ही परिश्रम के समझो पति व्रत धर्म को धारण करने से परम गति को प्राप्त हो जाए। उत्तम के अस बस मन माही और स्वप्ने आन पुरुष जग नाही। उत्तम जो पति व्रता होती है उसके दिल में पति कैसे बसता है कि मेरे पति के सिवा और संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, और मध्य में परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निजी जैसे, और बीच की श्रेणी की जो पतिव्रता वो किस प्रकार से दूसरे पुरुषों को देखती है कि बड़े को पिता बराबर वाले को भाई छोटे को पुत्र के समान देखती है। ये दो नंबर की पतिव्रता, एक नंबर की पतिव्रता तो देखती नहीं, बस तो सपने में भी दूसरे पुरुष को कभी याद नहीं कर। और जो विधवा माता है उनके लिए जैसे पतिव्रता से ये अपने पति की भक्ति करे सेवा करे ऐसे उसको भगवान की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। यद्यपि भगवान की भक्ति में स्वागन स्त्रियों का बालकों का पुरुषों का सबका अधिकार है, सब कोई कर सकते हैं, किंतु विधवा स्त्री का तो एक भगवान की भक्ति संसार से वैराग भगवान माने प्रेम के सिवा दूसरा और मार्ग है ही नहीं। तो हर वक्त संसार से तो उन्होंने बैराग रखना चाहिए और भगवान के मां विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, बस मेरा पार हो गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।